अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक हमारा क्या है? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश होगा, उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी, वो फॉर्मूला हमें निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कोई बिंदु आवेश, स्मॉल क्यू ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है तथा इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा है तब। यहाँ पे हम कोई चार्ज ले सकते हैं क्यू, ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास बिंदु आवेश। इससे आर दूरी पर स्थित कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नोट है। अब इस आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले काम करते हैं, इस आवेश के कारण जो वैद्युत बल है वो निकाल लेते हैं। बिंदु आवेश स्मॉल क्यू के कारण धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल तो F वेक्टर इक्वल टू कूलम्ब के नियम से निकाल लेंगे, 1/4πε0 K। K यहाँ पे परावैद्युतांक है, तो Q1 Q2 था ना वहाँ पे, तो Q1 की जगह तो Q है और Q2 की जगह Q नोट है, अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो कूलम्ब का नियम। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, 1/4πε0 K इंटू में क्या है, Q नोट अपॉन R स्क्वायर। ये तो है F वेक्टर की वैल्यू। अब हम रखेंगे Q नोट। अब ये देख लो, Q नोट कैंसिल हो गया, तो E वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मात्रक आपको पता होना चाहिए, इसका मात्रक हमने अभी पढ़ा है न्यूटन पर कूलाम। एक बात और ध्यान रखना है, निर्वात अथवा वायु में जो परावैद्युतांक है उसका मान 1 होगा। अगर हम बात निर्वात और वायु की कर रहे हैं तो K की वैल्यू 1 रखने के बाद फॉर्मूला किस तरह से होगा, E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ K की जगह पे 1, तो 1 की मल्टीप्लाई से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इस पर, तो Q अपॉन R स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये वाला भी होगा हमारा।